तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से पूरे देश में नौकरी देना शुरू करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राजद ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र जारी किया। राजद ने इसे परिवर्तन पत्र का नाम दिया है। आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोगों ने रिलीज किया है, यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 2 डेट याद कर लीजिए, देश में 15 अगस्त आने वाला, जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आजादी मिलना शुरू हो जाएगा। 2 तारीख आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक एक वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। तीसरा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया जाए। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को हम लोग लागू करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और फसलों का 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल MSP जो है हम लोग दिलाएंगे। स्वामीनाथन जी के जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, उसको हम लोग पूरे देश भर में लागू करेंगे। तो हमारी अगर सरकार बनेगी तो जो 4 वर्षीय अग्निवीर योजना है इसको हम लोग बंद करेंगे, और ड्यूटी के दौरान शहीद अर्धसैनिक बलों जैसे CRPF, ITBP, SSB, CISF इत्यादि के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो उसके लिए 5 नए एयरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे, पूर्णिया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में और रक्सौल में।